जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे टेस्ट चल रहे हैं। दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित रहेंगे। ये हमारी 7वीं क्लास रहेगी। हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण है। SSC, GD, UP पुलिस, हिंदी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे चैनल पर नया है, प्लीज़ वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। कमल का पर्यायवाची शब्द है शुरवी, जलज, कनक या फूल। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करें। दोस्तों, यहाँ पे कमल की अगर हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जलज। ठीक है दोस्तों, जलज हो जाएगा। अगर दोस्तों कनक का पर्यायवाची की बात करेंगे तो दोस्तों सोना हो जाएगा। कंचन भी इसे कहते हैं, जात रूप भी कहते हैं, हेम भी इसी को कहते हैं, कनक। ठीक है दोस्तों, फूल की बात करते हैं, कुसुम, प्रसून, पुष्प, ये दोस्तों फूल के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात के लिए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, शब्द हमारा क्या है, जो मृग दे रखा है, मृग का पर्यायवाची बताना है। पवन, बादल, हाथी, हिरण। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मृग, तो हे खग मृग मधुकर श्रेणी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, खग मृग, मृग यानी कि हिरण। तो मृग का दोस्तों पर्यायवाची क्या जाएगा, हिरण हो जाएगा। हिरण होता है, कुरंग भी इसी का होता है। दोस्तों हिरण का ही दोस्तों क्या, कुरंग होता है। इतनी बात क्लियर, कुरंग कस्तूरी इसी का ही होता है। हाथी की अगर बात करते तो हस्ती हो गया, मंदमस्त इसी का होता है, हाथी का। ठीक है दोस्तों, बादल की बात करते तो बादल का दोस्तों क्या जाएगा, नीरद, वारिद, अम्बुद, जलद, ये किसके हो जाते हैं, मेघ, ये बादल के। पवन की बात करते हैं तो हवा, वायु और दोस्तों क्या, समीर, ये किसके हो जाते हैं, पवन के हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों अभ्यस्त का शुद्ध रूप बताना है। तो अभ्यस्त का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। दोस्तों अभ्यस्त का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला, ये अभ्यस्त जो है इसी प्रकार से लिखा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फिर दोस्तों, हमारे शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी से दोस्तों SSC ED में एक या दो क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों दिवस, 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 दोस्तों दिवस, दोस्तों दिवस की शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। दोस्तों सभी को पता होगा दिवस की शुद्ध वर्तनी क्या, तो सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दिवस का ये वाला बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों इसमें क्या, मैं पौधे, पौधे डेस रहा हूँ, खा रहा हूँ, जगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ या भगा रहा हूँ। पौधे दोस्तों क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो पौधे, मैं पौधे लगा रहा हूँ, तो डेस की जगह पे क्या आ जाएगा, लगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। तो 6 का दोस्तों हमारा क्या जाएगा, शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा, क्षणिक, स्वस्थ, चिरंतन, दोस्तों अस्थाई। दोस्तों शाश्वत, तो शाश्वत का विलोम बुझा गया, तो शाश्वत का विलोम हो क्या जाएगा, दोस्तों शाश्वत यानी कि हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन दोस्तों इसका विलोम क्या हो जाएगा, क्षणिक यानी कि क्षण भर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तीव्र बुद्धि वाले के लिए क्या हो जाएगा, अल्प बुद्धि, दोस्तों दुर्बुद्धि यानी कि मंद बुद्धि, यानी कि कुशाग्री बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जिसकी दोस्तों तीव्र बुद्धि होती है तो उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कुशाग्री, कुशाग्री बुद्धि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। जो दोस्तों जिसकी मंद बुद्धि होती है यानी कि धीमे बुद्धि, तो उसे क्या कहते हैं, मंद बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। साक्षर का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा या साक्षर हो जाएगा, सक्षर हो जाएगा। दोस्तों अगर साक्षर की बात करते हैं, साक्षर, दोस्तों साक्षर की बात करते हैं तो सा हमारा ये वाला बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दोस्तों यहाँ पे मांसाहारी, मांसाहारी शब्द का विलोम बताना है। बलिहारी, शाकाहारी, निरंकारी या निराहार। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके मांसाहारी के विलोम की, तो
मांसाहारी का मतलब क्या आया था, मांस खाने वाला। दोस्तों इसका विलोम क्या आ जाएगा, शाकाहारी, जो मांस ना खाता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमारा क्या, अटखेलियां सूझना मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा, व्यंग करना, दिल लगी करना, मजाक उड़ाना, ईर्ष्या करना। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे इसमें दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर करना है। दोस्तों अटखेलियां सूझना का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या निकल के आएगा, दिल लगी करना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मजाक उड़ाना नहीं होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, रास्ता दिखाने वाला तो क्या हो जाएगा, राहपथिक, मार्गदर्शक, दूरदर्शी या समदर्शी। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। रास्ता दिखाने वाले की अगर बात करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, मार्गदर्शक। मार्गदर्शक मार्ग को मार्ग की ओर तुम्हें भेज दिया है, दोस्तों क्या कहेंगे, मार्गदर्शक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए वाक्य में उचित शब्द ज्ञात करें, यह डेस मीठे नहीं है। दोस्तों क्या नहीं है, बीर नहीं है, वेर नहीं है, वैर नहीं है, वार नहीं है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे है दोस्तों वेर। वेर वेर दोस्तों लिखा कैसे जाएगा, वैर लिखा जाएगा, ये वैर हो जाएगा, वेर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द ज्ञात कीजिए, जो व्यक्ति होता है वह कभी डेस्क खाली नहीं बैठता। जो व्यक्ति सुंदर होता है या दोस्तों आलसी होता है, भावहीन होता है, परिश्रमी। दोस्तों यहाँ पे निकल के आएगा, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया, कल जो आदमी अपने बुलाया था वह आज गया। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, त्रुटि बोधक हमारा शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया, कल जो आदमी अपने वह आज गया है या बुलाया था। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा दोस्तों त्रुटि बोधक क्या आ जाएगा, अपने। तो अपने की जगह पे दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसकी जगह पे आपने, आप ने, ये शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा त्रुटि बोधक रहेगा, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। प्रतिष्ठा नष्ट होना मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, नाक में दम करना, नाक रगड़ना, दोस्तों नाक कटना। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं, प्रतिष्ठा नष्ट होना का मतलब यहाँ पे निकल के आएगा, राख, नाक रगड़ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से केतु, यहाँ पे दोस्तों क्या, केतु का पर्याय नहीं है, केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों झंडा, पताका, निशान, ग्रह। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं केतु, तो केतु के पर्यायवाची की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झंडा भी हो जाएगा, पताका भी हो जाएगा, निशान, ये दोस्तों केतु के पर्यायवाची होते हैं। बात करते हैं ग्रह, ग्रह जो होता है ये दोस्तों नक्षत्र वाला ग्रह है, घर वाला ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में हमारा क्या जाएगा, सठिया जाना मुहावरे का अर्थ है, 60 साल का होना, नकारात्मक भाव, बुद्धि नष्ट होना या स्वस्थ होना। दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा, सठिया जाना, लोग कहते हैं सठिया गए हो क्या, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, बुद्धि नष्ट होना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, क्या दोस्तों, अनुगामनीय। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों पीछे पीछे चलता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुगामी कहेंगे, अनुगामी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध, यहाँ पे दोस्तों शुद्ध वर्तनी में शुद्ध शब्द का चयन करना है, पूजनीय, दोस्तों पूजनीय, पूजनीय, दोस्तों पूजनीय। दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। इससे पहले दोस्तों जान लेते हैं, जो हमारा जो दोस्तों पूज्य होता है, पूज्य, पूज्य हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है, ये हमारा क्या है, शुद्ध रूप है, किसका, पूज्य का शुद्ध रूप ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पूजनी की अगर हम शुद्ध रूप की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पूजनी में जा हमारा पूरा बनता है लेकिन पूज्य में आधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, इतनी बात याद रखनी है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। तो 20 में क्या है, निम्नलिखित में से मीन,
मीन का समानार्थी क्या होगा, झक या दोस्तों सिलीमुख, अली, षष्ठपद। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मीन मछली का होता है, तो दोस्तों इसका समानार्थी यहाँ पे क्या निकल के आएगा, झक। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात करें। तो हम लोगों के गुण, तो गुण देखने चाहिए, तो दोस्तों गुण का विलोम क्या हो जाएगा, गुण के अगर हम विलोम की बात करते हैं तो गुण का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, गुण अगुण या अनुगुण अवगुण या दोष, तो गुण का क्या हो जाएगा, अपगुण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। दोस्तों शुद्ध शब्द सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ पे जी जी विषा, देखो जी जी विषा यानी कि जी जी विषा, जी जी विषा। तो दोस्तों यहाँ पे शुद्ध रूप की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और हम लोग क्या फंस जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार फंसना नहीं है, अब की बार SSCGT पार। तो दोस्तों क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जी जी विषा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ में छुट्टी की मात्रा लगेगी, जहाँ में बड़ी की और वा में छोटी की और सा। तो इस प्रकार हमारा क्या जाएगा, जिजीविषा ये शुद्ध रूप हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।